आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। लेट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो वेयर ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स एंड वेक्टर सी वी आर यूनिट वेक्टर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इफ वेक्टर सी हमारा ये दिया गया एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर प्लस पी वेक्टर ए क्रॉस बी। एम एन और पी मेरा रियल नंबर है, तो सबसे पहले उसने दिया ए डॉट बी मेरा जीरो है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी वन दिया उसने। सी क्या दिया, सी बी आ यूनिट वेक्टर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा टू बोथ वेक्टर ए, तो सी डॉट ए मेरा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, तो वन इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा। सिमिलरली सी डॉट बी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, तो वन इंटू कॉस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि दोनों एंगल थीटा ही है, क्यों, बोथ ए और बी के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू होता है ए एंड परपेंडिकुलर टू होता है बी, तो दैट इज ए क्रॉस बी डॉट ए भी जीरो होगा और ए क्रॉस बी डॉट बी भी जीरो होगा, इतने हमें प्रॉपर्टीज मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ सी मेरा वन है, तो ये मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम एन वैक्टर ए डॉट बी प्लस ट्वाइस एन पी बी डॉट वैक्टर ए क्रॉस बी प्लस ट्वाइस एम पी एम ए क्रॉस बी डॉट ए वैक्टर, ठीक है। तो ये भी हमारा जीरो है, हमने यहाँ पे देखा ये भी जीरो है यहाँ पे और यहाँ पे ये देखे तो ये भी जीरो है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे वन, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में अगर ए से डॉट करें तो सी डॉट ए क्या आएगा, एम वेक्टर ए डॉट ए प्लस एन वेक्टर बी डॉट ए प्लस पी वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर ए। ये जीरो हमने यहाँ पे देखा, ये जीरो यहाँ पे गिवन है, तो ये बराबर क्या गया, एम मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर दैट इज एम, और सी डॉट ए की वैल्यू कितनी थी, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू एम आया यहाँ से। अब सी डॉट बी कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, एम ए डॉट बी प्लस एन बी डॉट बी प्लस पी वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट बी वेक्टर, तो ये जीरो गिवन है और ये जीरो है, तो ये क्या गया, एन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर दैट इज एन, ये था क्या, कॉस थीटा इक्वल टू एन। तो हमें क्या मिला, अब इस फाइनल हमें क्या मिला, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू वन, कॉस थीटा बराबर एम बराबर एन। तो यहाँ से हमें क्या, अगर एम और एन की वैल्यू कॉस थीटा डाल दें तो क्या मिल गया, टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू वन। पी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इसका मतलब पी स्क्वायर इज मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो पी स्क्वायर क्या है, वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से मिल गया वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो टू कॉस स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू वन। दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉन रूट टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट टू, यहाँ से हमें ये मिलेगा। तो अगर हम कॉस थीटा का ग्राफ प्लॉट करें तो ये होता है, तो ये वाई बराबर वन अपॉन रूट टू लाइन है और ये वाई बराबर माइनस वन अपॉन रूट टू लाइन है, ये कॉस एक्स का ग्राफ है। तो हमें देखना है तो कौन सा, इसमें तो देखो ये वाला क्या पाई बाई फोर है और ये पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर, तो एक्स बिलोंग्स टू इस रेंज में है, ऐसी एक आगे ये रेंज है मेरी, ऐसी एक आगे ये रेंज है, ये रेंज है मेरी, एक ये, इन सब में थीटा लाई करेगा। तो एक हम सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई फोर से पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर, दैट इज ये क्या है
पाई बाई फोर से 3π/4। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, π/4 to 3π/4। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।